तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै नमहु त्रयोग संहारिकै जय जिनेन्द्र। छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। छठी ढाल की चर्चा हम कर रहे हैं, मंगलाचरण के द्वारा अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सौसाहुणम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जय बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। मुनिराज की ध्यान अवस्था का और शुद्धोपयोग का वर्णन चल रहा है। आज हम समझेंगे कि कैसे मुनिराज चार घातिया कर्मों का क्षय करके अरहंत परमेष्टि बनते हैं। अरहंत परमेष्टि बनने के लिए मुनि होना अनिवार्य है। पांच परमेष्टि में से तीन परमेष्टि होना सिद्ध बनने के लिए अनिवार्य है। सिद्ध परमेष्टि तो स्वयं एक परमेष्टि है ही, और सिद्ध बनने के लिए अरहंत होना अनिवार्य है। अरहंत बनने के लिए मुनि होना अनिवार्य है। आज तक कोई जीव बिना मुनि हुए अरहंत अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है। अरहंत बनने के लिए मुनि होना तो अनिवार्य है, परंतु अरहंत बनने के लिए आचार्य और उपाध्याय बनना आवश्यक नहीं है। अनंत जीव बिना आचार्य उपाध्याय परमेष्टि बने बिना मोक्ष गए हैं, मोक्ष जा रहे हैं और मोक्ष जाएंगे। अरहंत बनने के लिए आचार्य और उपाध्याय होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मुनि होना आवश्यक है। तो आज हम समझेंगे कैसे मुनि परमेष्टि, सर्वसाधु परमेष्टि कैसे अरहंत बनते हैं, वे क्या करते हैं जिसके द्वारा वे अरहंत बनते हैं। यद्यपि अब तक हमने उस शुद्धोपयोग का वर्णन किया जिस शुद्धोपयोग के द्वारा मुनिराज श्रेणी पर आरोहण करते हैं और श्रेणी पर आरोहण करके अपने आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाते हैं। अपने स्वरूप में स्थिर होकर क्या करते हैं, आइए देखते हैं छेड़ाला की इन पंक्तियों के द्वारा। यों चिंतन निज में थिर भये तिन अखत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र वा हम इंद्र के नाही कयो तब ही शुकल ध्यान अग्नि करि चहु घाति विधि कानन दयो सब लख्यो केवल ज्ञान करी बविलोक को शिव मग कयो। भावार्थ। इस प्रकार विचार कर जब मुनि आत्म ध्यान में लीन हो जाते हैं तब उन्हें जो आनंद प्राप्त होता है वह वचनातीत है। वैसा सुख इंद्र नागेंद्र चक्रवर्ती या अहमिंद्र को भी नहीं मिलता है। उस समय मुनिराज शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चार घातिया कर्म रूपी वन को जला देते हैं और उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जिस ज्ञान के द्वारा वो तीनों काल की सब बातों को स्पष्ट रूप से जानते हैं और भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। यह उनकी अरहंत अवस्था कहलाती है। यों चिंत, अर्थात इस प्रकार से मुनिराज चिंतन करके और इस प्रकार से अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होकर, यों चिंत निज में थिर भये, इस प्रकार से जो चिंतन करके
अपने में जो स्थिर हुए, निज में स्थिर भए अर्थात अपने आत्मा में स्थिर हो गए, तिन अखत जो आनंद लयो, उन्होंने जो आनंद लिया है अर्थात जो आनंद प्राप्त किया है वह वास्तव में कहा नहीं जा सकता। अर्थात मुनिराज शुद्धोपयोग में जिस आनंद को प्राप्त करते हैं उस आनंद को शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। जिस प्रकार से मिश्री यद्यपि अंधा वर्णन कर सकता है चक्के, और बिना अंधा अर्थात जिसने देख रखी है वह यद्यपि उसको वर्णन तो करे देख के कि ये सफ़ेद है, लेकिन वह उसके रस को नहीं जानता। ठीक उसी प्रकार जब तक शुद्धोपयोग रूप दशा नहीं होती तब तक हम उस आनंद को शब्दों के द्वारा कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जो स्वयं जो जीव उसका रस चखता है वही जानता है कि शुद्धोपयोग की क्या अकल अचिंतनी महिमा है। तो यहाँ कहा कि तिन अखत जो आनंद लयो, अर्थात उन्होंने उन मुनिराज ने जो शुद्धोपयोग में स्थिर है और इस प्रकार से अपने आत्मा में लीन हो चुके हैं, उन्होंने जो अकथनीय आनंद लिया है सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो, वैसा सुख इंद्र को नहीं हुआ। इंद्र नाग नरेंद्र, नाग अर्थात अधोलोक के स्वामी, नरेंद्र अर्थात मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती, और अहमिंद्र अर्थात 16 स्वर्ग के जितने भी देव हैं ये सब अहमिंद्र कहे जाते हैं। 16 स्वर्ग तक इंद्र सामानिक पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनेक प्रकीर्णक आभियोग किल्विश ऐसे 10 प्रकार के देवों की कल्पना है, अर्थात वहाँ अंगरक्षक स्वामी प्रजा इस प्रकार का संबंध है, और 16वें स्वर्ग के ऊपर स्वामी और सेवक का कोई संबंध नहीं है। स्वामी सेवक का संबंध, राजा प्रजा का संबंध केवल 16वें स्वर्ग तक ही है। 16वें स्वर्ग के ऊपर के सारे देव अहमिंद्र कहे जाते हैं। अहमिंद्र अर्थात वे स्वयं अपने इंद्र होते हैं, उनके ऊपर अन्य किसी की आज्ञा नहीं चलती और वे स्वयं भी किसी अन्य के ऊपर आज्ञा नहीं चलाते, इसलिए उन्हें कहा है अहमिंद्र। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि 16 स्वर्ग के ऊपर के जितने देव हैं जो कि शुक्लेश्या के धारी होते हैं और अत्यंत सुख में मग्न होते हैं, सांसारिक सुख उनके खूब होता है, सांसारिक सुख में 16 स्वर्ग के सुखों से भी अधिक सुख अहमिंद्रों को होता है, और 9 ग्रहवेग तक तो अहमिंद्र दोनों प्रकार के होते हैं, सम्यक दृष्टि भी मिथ्या दृष्टि भी, लेकिन 9 ग्रहवेग के ऊपर 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में मात्र सम्यक दृष्टि देव ही पाए जाते हैं। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि 16वें स्वर्ग के ऊपर के देवों को जो सुख है, और एक सोधर्म इंद्र को जो सुख है, अथवा चक्रवर्ती को जो सुख है, अथवा असुर कुमार के राजा को असुरेंद्र को जो सुख है, वह सुख क्या है वास्तव में? जो सुख मुनिराज जो प्राप्त करते हैं शुद्धोपयोग की दशा में, वैसा सुख न इंद्रों को है, न अहमिंद्र को है, न नागेंद्र को है, न नरेंद्र को है। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के ना ही कहो, अर्थात मुनिराज 7वें गुणस्थान के ऊपर शुद्धोपयोग की भूमिका में जो सुख प्राप्त करते हैं वैसा सुख अनंत इंद्रों का भी इकट्ठा किया जाए, अनंत चक्रवर्ती का इकट्ठा किया जाए, अनंत नागेंद्र का और अनंत अहमिंद्र का भी वो सुख इकट्ठा किया जाए, तो उस सुख की भी तुलना मुनिराज के एक समय के सुख से नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि इनका जितना सुख है वो वास्तव में विषयों का सुख है, और विषयों का सुख सुख नहीं है, दुख है, सुखाभास है। यहाँ तक कि अहमिंद्र का भी जो सुख है वो एक कषाय चौकड़ी के अभाव जितना सम्यक दर्शन जितना ही सुख है, और मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और जब शुक्ल ध्यान में है तब संजुलन कषाय की भी अत्यंत मंदता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर मुनिराज की ध्यानावस्था में सुख को बताया गया है और कहा है कि जैसा मुनिराज सुख भोगते हैं वैसा सुख न चक्रवर्ती, न इंद्र, न नरेंद्र और ना ही नागेंद्र अर्थात असुर कुमार देवों को उपलब्ध है। 3 लोक में मुनिराज जैसा सुख किसी को भी प्राप्त नहीं है। मुनिराज इस सुख की प्राप्ति करने के बाद आगे क्या करते हैं इसको हम एक अल्प विराम के बाद समझेंगे।
जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। हमने चर्चा की कि मुनिराज कैसा सुख भोगते हैं। एक पंक्ति में हमने इस बात को समझा कि यो चिंत निज में थिर भये तिन अखत जो आनंद लयो सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र को ना ही कहो। अर्थात मुनिराज ध्यान अवस्था में जिस सुख को भोगते हैं वह सुख न इंद्र को न नरेंद्र को न नाग को और न अहमिंद्र को प्राप्त है। वास्तव में संसार के समस्त पुण्यात्माओं का सुख इकट्ठा किया जाए तो वह सारा सुख भी मुनिराज के एक समय के सुख के बराबर नहीं है। कारण ये कि मुनिराज के तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करने के बाद जब वे शुक्ल ध्यान में स्थित होते हैं और उस समय जो वे आत्मा का अनुभव करते हैं और आत्मा के अनुभव से जो आनंद उन्हें उत्पन्न होता है वह आनंद संसार के सारे पुण्यात्माओं को भी प्राप्त नहीं है। संसार के सारे पुण्यात्माओं को जो सुख है वो कर्म के उदय की दी हुई सामग्रियों का सुख है, जो वास्तव में सुख नहीं है, दुख है, जिसे प्रवचन सार में कुंदकुंद आचार्य ने पराधीन बाधा सहित विषम और आगामी कर्मबंध का कारण कहा है। वास्तव में सुख नहीं है। अनंत चक्रवर्तियों का सुख, अनंत इंद्र का सुख, अनंत अहमिंद्र का सुख, इन सबको इकट्ठा किया जाए और इनको अनंत गुना किया जाए और अनंत बार किया जाए तो भी जो मुनिराज ध्यान अवस्था में श्रेणी के काल में जो सुख भोगते हैं वह सुख के बराबर नहीं हो सकता। हमारा आपका जितना भी संसार का सुख है ये सुख सब दुख है। सांसारिक सुख कर्म के उदय का दिया हुआ है, हमारा स्वयं का स्वभाव का उत्पन्न किया हुआ नहीं है। और मुनिराज स्वाभाविक सुख को भोगते हैं, निराकुल सुख को भोगते हैं, स्वाधीन सुख को भोगते हैं। ऐसे माद समुत्थम विषयातीदम अणु मम मणंतम अविच्छिन्नम च सुहम शुद्धव ओगप सिद्धाणम। ऐसे अर्थात मुनिराज का सुख अतिशयित होता है, आत्मा से उत्पन्न होता है, विषयों से अतीत होता है, अनुपम होता है। अर्थात मुनिराज के सुख की उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। शुद्धोपयोग में जो जीव स्थित है उसके सुख की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और वह अविच्छिन्न होता है अर्थात उस सुख में अब कभी बाधा पड़ने वाली नहीं है। जो जीव छपक श्रेणी पर चढ़ चुका है अब उस जीव के सुख का कभी अभाव होने वाला नहीं है, बल्कि उसके सुख की निरंतर वृद्धि होने वाली है। अब वह ऐसा सुख भोगता है कि जिस सुख का अनंत काल में अभाव नहीं होगा, अनंत काल तक निरंतर वह सुख बना रहेगा। ऐसे इस सुख को मुनिराज श्रेणी के काल में भोगते हैं और फिर उसके द्वारा क्या करते हैं, ऐसे अद्भुत अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं और ज्यों ज्यों ऊपर चढ़ते हैं श्रेणी के काल में त्यों त्यों कर्मों का अभाव करते जाते हैं। छठे सातवें गुणस्थान में संजलन कषाय की तीव्रता कही है, आठवें गुणस्थान में संजलन कषाय का मंद उदय है, नवें गुणस्थान में मंदतर उदय है और दसवें गुणस्थान में अत्यंत सूक्ष्म लोप कषाय का उदय है। दसवें के बाद में बारहवें गुणस्थान में किसी प्रकार के मोहनी कर्म का उदय नहीं है, पूर्ण वीतरागी जीव हो जाता है। मात्र ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का उदय वहाँ शेष बचता है, अन्य मोहनी कर्म के उदय का सर्वथा अभाव हो जाता है। न केवल उदय का अभाव होता है अपितु बंध और सत्ता का भी अभाव बारहवें गुणस्थान में मोहनी कर्म का हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो जो मुनिराज गुणस्थानों में ऊपर बढ़ते हैं त्यों त्यों उनकी वीतरागता बढ़ती है, त्यों त्यों उनको कषाय का अभाव होता जाता है। और जीव के सुख का संबंध कषाय के अभाव से, हम जितने दुखी है उतने कषाय के उदय से दुखी है। जो जो मुनिराज के कषाय की ओर मंदता होती जाती है त्यों त्यों उनका सुख बढ़ता जाता है। और मुनिराज आठवें गुणस्थान में चार जो कषाय होती है हास्य रति भय जुगुप्सा इनका क्षय कर देते हैं, अर्थात इनके बंध का अभाव कर देते हैं। और नवें गुणस्थान में पुरुष वेद और चार प्रकार के संजुलन कषाय के बंध का भी अभाव हो जाता है। उदय की अपेक्षा यदि हम देखें
तो आठवें गुणस्थान तक हास्य रति इन कषायों का उदय है और नौवें गुणस्थान में पुरुष वेद और चार प्रकार के संजुलन कषाय का ही उदय है। नौ कषाय के अंदर केवल एक वेद का उदय है। नौवें गुणस्थान में पुरुष वेद का भी उदय वेद के भाग तक सवेद भाग तक रहता है। बाद में पुरुष वेद का अर्थात वेद के भी उदय का अभाव हो जाता है, अर्थात किसी प्रकार की वेद से उत्पन्न पीड़ा को नहीं भोगते। बाद में संजुलन क्रोध के उदय का अभाव होता है, पश्चात संजुलन मान के उदय का अभाव होता है, बाद में संजुलन माया के उदय का अभाव हो जाता है। पश्चात वे संजुलन लोभ का अनुभव करते हैं, लेकिन उस संजुलन लोभ का भी वे कृष्टि आदि के द्वारा क्षय करते हैं और उसको सूक्ष्म करते हैं। दसवें गुणस्थान में मुनिराज को मात्र सूक्ष्म संजुलन लोभ का उदय होता है, इसलिए दसवें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्राय, अर्थात जहाँ सूक्ष्म लोभ कषाय है। जैसे कोई वस्त्र होता है और उस वस्त्र को लाल लाल हो यदि वो वस्त्र, और वस्त्र को कोई धो दे और धोने के बाद में जो थोड़ी बहुत उसमें लालिमा शेष रहती है, ठीक उसी प्रकार जहाँ कषाय का अत्यंत सूक्ष्म अंश विद्यमान रहता है उसका नाम है दसवां सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान। मुनिराज दसवें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान को भी पार करके और जो छपक श्रेणी में मुनिराज होते हैं वे दसवें से सीधे बारहवें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं। बारहवें गुणस्थान में उन्हें मोनी कर्म का न बंध होता है, न उदय होता है, न सत्ता होती है। बारहवें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागी होते हैं, अंतर्मुहूर्त काल तक पूर्ण वीतरागी रहते हैं और पूर्ण वीतरागी अवस्था में रहने के कारण उनके तीन घातिया कर्मों का भी क्षय हो जाता है, ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भी क्षय करके, अर्थात बारहवें गुणस्थान में तीन घातिया कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करके तेरहवें गुणस्थान के प्रथम समय में वे केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं दौलत राम जी के शब्दों में अंतिम दो पंक्तियों में किस प्रकार से मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तब ही शुकल ध्यानाग्नि करि चौघाती विधि का नन दयो सब लख्यो केवल ज्ञान करी भविलोक को शिव मग कयो। तब ही शुक्ल ध्यानाग्नि करी, अर्थात मुनिराज शुक्ल ध्यान के द्वारा, शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चौघाती माने चार घातिया और विधि अर्थात कर्म, कानन अर्थात वृक्ष जंगल, तो मुनिराज शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा चार घातिया रूपी कर्मों का जंगल नष्ट कर देते हैं, जला देते हैं। मुनिराज जब श्रेणी में आरोहण करते हैं तब उन्हें शुक्ल ध्यान प्रकट होता है और शुक्ल ध्यान के द्वारा सर्वप्रथम वे मोहनी का, पश्चात ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय करते हैं और चार घातिया कर्मों के क्षय के फलस्वरूप उन्हें केवल ज्ञान प्रकट होता है। कैसा होता है वो केवल ज्ञान, क्या करते हैं केवल ज्ञान के बाद अरण परमेष्टि, इसको हम एक अल्पविराम के बाद समझेंगे। जय जिनेन्द्र छड़ाला की पाठशाला कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है। मुनिराज किस प्रकार से अनंत परमेष्टि बनते हैं इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो मुनिराज सातवें गुणस्थान के ऊपर आठवें गुणस्थान में प्रवेश करते हुए छपक श्रेणी पर आरोहण करते हुए शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं और शुक्ल ध्यान के द्वारा चार घातिया रूपी जंगल को शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा जला देते हैं। यदि हम कर्म की विवक्षा से देखें तो मुनिराज सर्वप्रथम मोहनी कर्म का एवं पश्चात ज्ञानावरण दर्शनावरण एवं अंतराय कर्म का क्षय करते हैं। छठे सातवें गुणस्थान तक स्वस्थान अर्थात छठे सातवें गुणस्थान में झूलना कहा गया है। जब सातवें गुणस्थान में कोई जीव श्रेणी पर आरोहण करने का प्रारंभ करता है तो उसे कहा जाता है सातिशय अप्रमत्त संयत गुणस्थान, अर्थात सातवें गुणस्थान के हम दो भेद कर सकते हैं, स्वस्थान अप्रमत्त संयत और सातिशय अप्रमत्त संयत। जो जीव छठे सातवें में ही झूलता है उसे कहते हैं स्वस्थान अप्रमत्त संयत और जो जीव सातवें गुणस्थान में रहते हुए आठवें गुणस्थान की ओर सन्मुख होता है अर्थात छपक या उपशम श्रेणी मानने की ओर सन्मुख होता है उसे हम कहते हैं सातिशय अप्रमत्त संयत। तो मुनिराज सातवें गुणस्थान में सातिशय प्रमत्त संयत अवस्था को प्राप्त होते हुए अधःकरण को प्राप्त होते हैं। अधःकरण में नीचे के जीवों के परिणाम और ऊपर के जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं। अधःकरण परिणामों को प्राप्त करने के बाद
आठवें गुणस्थान का नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान। उस अपूर्वकरण गुणस्थान में मुनिराज ऐसे अपूर्व परिणामों को प्राप्त करते हैं जो अनादिकाल से आज तक प्राप्त नहीं किए। अपूर्व अर्थात पूर्व में जो प्राप्त नहीं किए वो करण अर्थात परिणाम। अनादिकाल से जो परिणाम आज तक प्राप्त नहीं किए ऐसे परिणामों को मुनिराज अपूर्वकरण गुणस्थानों में प्राप्त करते हैं। अपूर्वकरण परिणाम में आगे पीछे के जीवों के परिणाम भिन्न ही होते हैं, एक सरीखे नहीं होते। अर्थात जिन जीवों ने अपूर्वकरण के परिणामों को प्राप्त किया है ऐसे जो जीव हैं वे यदि अधिक सीनियर है, अर्थात जो जीव अपूर्वकरण के चौथे समय में स्थित होगा उसकी विशुद्धि पहले दूसरे और तीसरे समय के जीवों से अधिक ही होगी और चौथे समय के जीवों की विशुद्धि पांचवें समय से नियम से कम ही होगी। इस प्रकार अपूर्वकरण परिणाम को प्राप्त करके मुनिराज अगले गुणस्थान अर्थात अनिवृत्ति गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। निवृत्ति अर्थात होता है भेद, अनिवृत्ति मतलब जहाँ कोई भेद नहीं है। अर्थात जितने भी जीव जिस समय में स्थित है उन समय में सभी जीवों के परिणाम एक सारी के होते हैं। अर्थात एक समय में स्थित सभी जीवों के परिणाम जहाँ समान होते हैं उसका नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। नाना समय में स्थित जीवों के परिणाम तो भिन्न है लेकिन एक समय में स्थित सभी जीवों के परिणाम समान है। अनिवृत्तिकरण अर्थात जहाँ कोई भेद नहीं है ऐसे परिणामों को प्राप्त करके बाद में दसवें गुणस्थान सूक्ष्म सांप्राय को प्राप्त करते हैं। बारहवें गुणस्थान का नाम है क्षीण मोह, जहाँ मोह की सत्ता का नाश कर दिया जाता है और क्षीण मोह गुणस्थान में रहते हुए द्विचरम समय में निद्रा और प्रचला प्रकृति को समाप्त करके और अंतिम समय में ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4 और अंतराय की 5 प्रकृतियों का क्षय करते हुए मुनिराज 13वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। उस 13वें गुणस्थान में क्या होता है तो उसको दौलत राम जी ने कहा है, सब लख्यो केवल ज्ञान करी भवि लोक को शिवमत कहो। अर्थात मुनिराज अनंत परमेष्टि बन जाते हैं और अनंत परमेष्टि बनने के बाद अनंत परमेष्टि का अर्थ है वे केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और केवल ज्ञान के द्वारा सब लख्यो अर्थात लोक अलोक तीन लोक और तीन काल के सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में देख लेते हैं। सब लख्यो केवल ज्ञान करी अर्थात केवल ज्ञान के द्वारा तीन लोक तीन काल के सभी पदार्थों को एक साथ एक समय में जान लेते हैं। न केवल तीन लोक को, न केवल लोकाकाश को अपितु लोका अलोकाकाश को भी पूरी तीन काल की पर्यायों सहित एक समय में जान लेते हैं। इस प्रकार से केवल ज्ञान द्वारा विश्व के समस्त चराचर पदार्थों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान कहें अथवा अनंत ज्ञान कहें एक ही बात है। तो वे मुनिराज 13वें गुणस्थान में प्रवेश करते ही अनंत बन जाते हैं अर्थात अनंत कहे जाते हैं और जो अनंत हो जाते हैं उन्हें 4 घात्या कर्मों के क्षय पूर्वक केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। न केवल केवल ज्ञान अपितु उनका सुख भी अनंत कहा जाता है, उनका वीर भी अनंत कहा जाता है, उनका दर्शन भी अनंत कहा जाता है। ज्ञानावरण के अभाव पूर्वक उन्हें केवल ज्ञान अर्थात अनंत ज्ञान की प्राप्ति होती है, दर्शनावरण कर्म के अभाव पूर्वक अनंत दर्शन गुण की प्राप्ति होती है, मौनी कर्म के अभाव पूर्वक अनंत सुख की और अंतराय कर्म के अभाव पूर्वक अनंत वीर की प्राप्ति होती है। सब विधि कानन दयो अर्थात शुक्ल ध्यान के द्वारा 4 घाती कर्मों रूपी जंगल को जलाकर केवल ज्ञान दशा को प्राप्त करके अनंत परमेष्टि बन जाते हैं और अनंत परमेष्टि बनने के बाद भव्य लोक को शिवमग कहो अर्थात भव्य जीवों को, जो जीव में मोक्ष जाने की योग्यता है, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है, ऐसे भव्य जीवों को वे मोक्ष का मार्ग बताते हैं। 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में आकर अनंत अवस्था को प्राप्त कर 13वें गुणस्थान में जितने काल रहते हैं उतने काल तक यदि वे तीर्थंकर हैं तो उनका समोषण के अंदर दिव्य ध्वनि द्वारा तत्व का उपदेश होता है। यदि सामान्य केवली है तो उनकी गंधकुटी द्वारा तत्व का उपदेश, धर्म का उपदेश होता है। उस धर्म के द्वारा अनेक जीवों को मोक्ष का मार्ग मिलता है। पहले जीव केवल ज्ञानी होता है, पश्चात उसके द्वारा हित का उपदेश होता है। जब तक केवल ज्ञानी नहीं है तब तक उन्हें हितोपदेशी नहीं कहा जाता, क्योंकि केवल ज्ञान होने के द्वारा तीन लोक तीन काल के सभी पदार्थों का ज्ञान होता है और अज्ञान पूरा दूर हो जाता है। अज्ञान दूर हो गया अर्थात ज्ञान की पूरी प्राप्ति हो गई और जिन्हें पूर्ण ज्ञान होता है उनके द्वारा जो बात कही जाती है वो पूरी तरह से सच्ची होती है और हितकारी होती है। यही कारण है कि भगवान को पहले सर्वज्ञ कहा जाता है, बाद में हितोपदेशी,
और सर्वज्ञता के भी पहले वे वीतरागता प्राप्त करते हैं। बिना वीतरागता के सर्वज्ञता प्रकट नहीं होती। यदि हम ये कल्पना करें किसी जीव को बिना वीतरागता के वो सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो वह जीव दुखी हो जाएगा, क्योंकि राग द्वेष के कारण जीव दुखी होता है। अधिक ज्ञान राग द्वेष सहित दुख का ही कारण बनता है, सुख का कारण नहीं बनता। इसलिए पहले वीतरागता प्रकट होती है, अर्थात इतना जीव वीतरागी हो जाता है कि उसकी देह से भी उसे कोई मतलब नहीं होता, तो अन्य संसार के समस्त पदार्थों से तो उसका राग किसी प्रकार का नहीं होता। जब इस प्रकार की पूर्ण वीतरागता को, संपूर्ण वीतरागता को जीव प्राप्त कर लेता है, फिर उस वीतराग अवस्था में अंतर्मुहूर्त काल तक रहता है 12वें गुणस्थान में, तब उस 12वें गुणस्थान की अंतर्मुहूर्त काल की वीतरागता के द्वारा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय करके और फिर वो केवल ज्ञान दशा को प्राप्त करते हैं, और उस केवल ज्ञान दशा को प्राप्त करने के बाद ही वे हित का उपदेश करने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार से हमने मुनि अवस्था से अनंत बनने की विधि को समझा कि मुनिराज पहले वीतरागी होते हैं, वीतरागी रहने बनने के बाद फिर वे तीन घातिया कर्म ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय करके चार अनंत चतुष्टय को प्रकट करते हैं। चार अनंत चतुष्टय को प्रकट किया अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात अनंत दशा को प्राप्त किया, और अनंत दशा होने के बाद जब तक उनका मोक्ष नहीं होता, अर्थात जब तक वे सिद्ध नहीं बनते, तब तक उनका भव्य जीवों के लिए दिव्य ध्वनि द्वारा तत्व का उपदेश होता है। इसके बाद में किस प्रकार अनंत दशा से सिद्ध दशा प्रकट होती है, इसको हम कल अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी देखिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। पाठशाला सार। शुद्धोपयोग के आनंद के बल से मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात वे भव्य जीवों को मोक्ष का उपदेश देते हैं। इस कारण से वे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी कहलाते हैं।